संविधान की पीठ में छोड़ा भोंका दिया है। बाबा साहब अंबेडकर ने जिस सपने से ये व्यवस्था खड़ी की थी उसको इन्होंने वोट बैंक के लिए गिरवी रख दिया है। अब मुझे याद है मैंने हाउस में कभी कांग्रेस के नेताओं को सुना तो वो ये कहते थे कि पीएसयू का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं आप, तो आप आरक्षण मिटा देना चाहते हैं। अब रियलिटी तो है नहीं, गप्पा जी कर रहे थे, लेकिन मेरे सामने आया कि जो लोग इतने बड़े दलितों के हितैषी अपने आप को कहते हैं, आदिवासियों के हितैषी कहते हैं, वे हकीकत में उनके घोर दुश्मन हैं। इन्होंने रातों रात एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बना दिया, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना दिया तो उन्होंने आरक्षण उसमें खत्म कर दिया। अब उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, वैसा एक नियम बदल दिया उन्होंने और यूनिवर्सिटी तक को माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया। अब दिल्ली में ही जामिया मिलिया जो यूनिवर्सिटी है उसको उन्होंने माइनॉरिटी बना दी, उसमें सारे आरक्षण खत्म हो गए, एडमिशन में भी नहीं, नौकरी में भी नहीं। और बाद में तो चीज़ें उभर करके आई कि करीब करीब 10,000 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको इस प्रकार से आरक्षण के जो एससी एसटी ओबीसी का अधिकार था वो पिछले दरवाजे से उसको छीन लिया गया है। नमस्ते मधु जी। नमस्कार भाई, ये नई वालों को नमस्ते। ये बस सर, आपका आपने समय दिया हमें। एनआई के तो दर्शकों की संख्या भांति भांति की है, तो उन सभी दर्शकों को नमस्कार। मोदी जी, अब लगभग आखिरी दौर आ गया है चुनाव का, क्या जो आपने लक्ष्य तय किया था 400 पार का, आपको लगता है कि वो पार हो रहा है? क्योंकि विपक्ष तो कन्विंस्ड है कि ऐसा नहीं हो रहा है, वो कह रहे हैं कि 220 240 होगा। आखिरी दौर शब्द प्रयोग किया आपने, मुझे उसमें बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही है। एक, हमारा एक नया दौर शुरू होगा उसका उसके अंदर संकेत है। दूसरा, जो लोग बड़े सपने देख करके बड़े वादे कर रहे थे उनके लिए भी आखिरी दौर है। तो चुनाव का आखिरी दौर ऐसा इतना नहीं, उनकी स्थितियों का भी आखिरी दौर है। प्रधानमंत्री जी, आरक्षण इतना बड़ा मुद्दा इस बार कैसे बन गया? आप तो माइक्रोचिप्स और मैन्युफैक्चरिंग इस पे बात हो रही थी, लेकिन आपको बार बार हम आरक्षण पे बात करते हुए क्यों देखना पड़ रहा है? मुझे नहीं करना पड़ रहा है, मुझे सचेत करना है मेरे एससी एसटी ओबीसी और अति पिछड़े भाई बहनों को, क्योंकि इनको अंधेरे में रख करके ये लोग लूट चला रहे हैं। और चुनाव एक ऐसा समय है कि जो सबसे बड़ा संकट आ रहा है उससे देशवासियों को मुझे जागरूक करना चाहिए, और इसलिए मैं आग्रह पूर्वक जनता जनार्दन को समझा रहा हूँ, क्योंकि ये दो चीज़ें हो रही हैं। एक, भारत के संविधान की मूल भावना का हनन हो रहा है, संविधान की मर्यादाओं को तार तार कर दिया जा रहा है, और वो भी अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। अब मुझे याद है मैंने हाउस में कभी कांग्रेस के नेताओं को सुना तो वो ये कहते थे कि पीएसयू का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं आप, तो आप आरक्षण मिटा देना चाहते हैं। अब रियलिटी तो है नहीं, गप्पा जी कर रहे थे, लेकिन मेरे सामने आया
कि जो लोग इतने बड़े दलितों के हितैषी अपने आप को कहते हैं, आदिवासियों के हितैषी कहते हैं, वे हकीकत में उनके घोर दुश्मन हैं। इन्होंने रातों रात एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बना दिया, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना दिया तो उन्होंने आरक्षण उसमें खत्म कर दिया। अब उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, वैसा एक नियम बदल दिया उन्होंने और यूनिवर्सिटी तक को माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया। अब दिल्ली में ही जामिया मिलिया जो यूनिवर्सिटी है उसको उन्होंने माइनॉरिटी बढ़ा दी, उसमें सारे आरक्षण खत्म हो गए, एडमिशन में भी नहीं, नौकरी में भी नहीं। और बाद में तो चीज़ें उभर करके आई कि करीब करीब 10,000 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको इस प्रकार से आरक्षण के जो एससी एसटी ओबीसी का अधिकार था वो पिछले दरवाजे से उसको छीन लिया गया है, संविधान की पीठ में छोरा फोका दिया है। बाबा साहब अंबेडकर ने जिस सपने से ये व्यवस्था खड़ी की थी उसको इन्होंने वोट बैंक के लिए गिरवी रख दिया है। तो ये एक चिंताजनक बातें मेरे सामने जब आई तब मुझे लगा कि मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं देश को अवगत। इतने में इनका मैनिफेस्टो आया, इस मैनिफेस्टो ने और चौंका दिया और इसलिए मैंने पहला मैनिफेस्टो देखते ही मेरा पहला कमेंट था कि ये मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छवि है। तो दो तीन दिन तो उनको लगा कि इसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही बात ख़त्म हो जाएगी। जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो फिर मैं एक एक चीज़ खोलने लगा। जैसे इस देश में वो ये कहें कि हम खेलकूद में भी माइनॉरिटी के लिए कोटा फिक्स करेंगे। आज पंजाब के मेरे बच्चे जो खेल जगत के अंदर बहुत अच्छा कर रहे हैं, बंगाल के मेरे नौजवान फुटबॉल में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के हमारे नौजवान जो एथलीट्स में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, अब वो अपनी जवानी उसमें खपा देते हैं। 10-12 साल की उम्र से लेकर के पहुँचने तक ये लोग इतना तप करते हैं जी, तपते हैं, शरीर को तपाते हैं, खिलाड़ी ऐसा नहीं बनता है जी। और सुबह रात को नींद नहीं आती, सुबह 4 बजे उठ करके चले जाते हैं। अब कहते हैं नहीं ये माइनॉरिटी के लिए कोटा होगा, तो मेहनत करने वाला मेरा नौजवान जाएगा कहाँ जी, उनका क्या होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि देश में अब जो टेंडर होंगे उस टेंडर में भी वे माइनॉरिटी के लिए आरक्षण करेंगे। मतलब ये हुआ कि आज मान लीजिए कोई कहीं पर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ब्रिज बन रहा है, उस ब्रिज में कौन ब्रिज बनाएगा, तो जिसके पास ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसके पास संसाधन है, जिसके पास कैपेबिलिटी है, जो परफॉर्म कर सकता है, सारे उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसकी पूरी करता है, उसमें कंपटीशन होती है और कंपटीशन में जो निकलता है उसको टेंडर मिलता है। ये कहते नहीं, ये सब बाद में। अब मुझे बताइए अगर इसी प्रकार से सिर्फ धर्म के आधार पर कोटा दे देंगे, वो ब्रिज बनेगा, लोग मारे जाएंगे तो कौन जिम्मेवार होगा? क्या वोट बैंक के लिए आप आने वाली पीढ़ियों को भी तबाह करना चाहते हैं? तो ये ऐसे विषय थे जो कांग्रेस ने अपनी वोट बैंक के खातिर मैदान में उतारे। तब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं मेरे दलित भाइयों के अधिकार के लिए लड़ूं, मेरे आदिवासी भाई बहनों के अधिकार के लिए लड़ूं, मेरे ओबीसी पिछड़े भाई बहनों के अधिकार के लिए लड़ूं, और इसलिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। तो ये जो परसेप्शन बनाया जा रहा है कि आप आए तो बिल्कुल आरक्षण ही ख़त्म कर देंगे, ये क्या इस पर क्या बोलेंगे? इन्होंने ये पाप कर दिया है उसके खिलाफ मैं बोल रहा हूँ, इसलिए उनको झूठ बोलने के लिए ऐसी चीज़ें
का उपयोग करना पड़ रहा है। अभी कोलकाता हाई कोर्ट का सर एक ऑर्डर आया है जिसमें 2010 के बाद जितने ओबीसी सर्टिफिकेट बन रहे हैं उसको खारिज कर दिया है। दीदी के मोडस ऑपरेंडी है कि पहले इन्होंने कानून बना करके माइनॉरिटी को देने का पाप शुरू किया, पहले आंध्र में शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट ने तक में वो हार गए, हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि संविधान अलाउ करता नहीं है। तो इन्होंने चालाकी करके पिछले दरवाजे से खेल शुरू किया और पिछले दरवाजे से खेल शुरू करने के लिए इन लोगों ने रातों रात मुसलमान की सभी जातियों को ओबीसी बना दिया। सभी जातियों को ओबीसी बना करके जो ओबीसी का हक था वो रातों रात डाका डाल दिया, लूट लिया। और इसके खिलाफ चुनाव की सरगर्मी चल रही है तब हम तो बोल ही रहे थे कि भाई ये हो रहा है, कर्नाटक में हुआ है, मैंने बताया था, हम बंगाल के लिए भी बोल चुके थे। लेकिन जब हाईकोर्ट का जजमेंट आ गया तब ये साफ हो गया कि इतना बड़ा धोखा हो रहा है। लेकिन इससे भी दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा वोट बैंक की राजनीति करने के लिए वे अब इनको भी गाली दे रहे हैं, जुडिशरी को गाली दे रहे हैं, न्यायपालिका को गाली दे रहे हैं, और वो यहाँ तक कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हम कोर्ट की बात मानने वाले नहीं हैं। कि ये जो स्थिति है वो किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं हो सकती है। सर, केजरीवाल जी अभी जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ही तय करते हैं कि कौन जेल जाएगा, वो कहते हैं सोरेन को और मुझे उनके इशारे पे जेल में डाला गया। ऐसा अच्छा होगा ये लोग संविधान पढ़ लें, देश के कानून नियम पढ़ लें, मुझे किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सर, इस बार चुनाव में हम देख रहे हैं कि एक पर्सनल अटैक्स बहुत हो रहे हैं, लाइक आप पर भी कई बातें बोली गई हैं और आपकी तरफ से भी कुछ लोगों को कुछ बोला गया है, तो पर्सनल अटैक्स किस लिए इस बार आपको लगता नहीं ये शैली नहीं होनी चाहिए चुनावों में? जहाँ तक मोदी का सवाल है, मैं तो पिछले 24 साल से गालियाँ खा करके गाली प्रूफ हो गया हूँ। मौत का सौदागर किसने कहा था, गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा था? और मेरे यहाँ तो पार्लियामेंट ने एक दिन हमारे एक साथी ने हिसाब लगाया था, 101 गालियाँ गिनाई थी। तो चुनाव या चुनाव न हो, ये लोग मानते हैं कि गालियाँ देने का हक उनका ही है, और वे हताश निराश इतने हो चुके हैं कि गालियाँ देना, अपशब्द बोलना, ये उनके शायद जहन में है, उनके स्वभाव में हो गया है। प्रधानमंत्री जी, एक आरोप विपक्ष और लगा रहा है कि ईडी, आईटी, सीबीआई इसका इस्तेमाल किया जा रहा है विरोधियों को दबाने के लिए। मेरा मीडिया को सवाल है कि विपक्ष ने आपको ये कूड़ा कचरा पकड़ा दिया, वो कूड़ा कचरा लेकर के आप हमारे पास पहुंच जाते हैं। मीडिया वाले रिसर्च करें कि भाई सरकार के लिए क्या सवाल पूछने चाहिए, प्रधानमंत्री को क्या सवाल पूछना चाहिए, जो कूड़ा कचरा फेंक रहा है उसको पूछो ना भाई, तुम ये जो कह रहे हो इसका सबूत क्या है, कानून नियम क्या है, उसको पूछो ना, उसकी आपकी हिम्मत नहीं है। लेकिन वो जो कूड़ा कचरा फेंकते हैं, वो कूड़ा कचरा लेकर के आप मेरे यहाँ आते हैं, ये ठीक है कि मैं रिसाइकल के मानता हूँ तो मैं इस कूड़े कचरे का रिसाइकल करके उसको खाद में परिवर्तित कर दूंगा और उसमें से देश के लिए कुछ ना अच्छी चीज़ें पैदा कर दूंगा, इसलिए वो तो मैं करूंगा। लेकिन सरकार क्या करती है, प्रधान आज गांव के सरपंच को चेकबुक पर सही करने का अधिकार होता है, देश के प्रधानमंत्री को नहीं है, ये इतना नॉलेज नहीं है इन लोगों को। देश के प्रधानमंत्री के पास इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है। मोदी सरकार का मैंडेट क्या है, मोदी सरकार ने अपने अफसरों को कहा है कि मेरी सरकार करप्शन के विषय में जीरो टॉलरेंस। अब ये दफ्तर के अंदर बैठे हुए लोगों का काम है कि उसको लागू करें। और सचमुच में तो किसी जमाने में 10 साल में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 34 लाख रुपया पकड़े गए थे। 34 लाख रुपया मतलब एक स्कूल बैग में आप आ जाए। वर्तमान में ईडी ने 10 साल में 2200 करोड़ रुपया पकड़ा है, ये तो टीवी पर दिखता है, ये तो कोई जुटबाजी हो नहीं सकती है। अब जो 2200 करोड़ देश को वापस लाया है,
ये उसका सम्मान होना चाहिए कि उसको गाली गलौज होना चाहिए? तो गाली गलौज कौन करता है? जिसका पैसा गया है वो गाली गलौज कर रहा है। 2200 करोड़ जिसके जेब में से गया है, जिसने चोरी कर करके इकट्ठा किया था वो पकड़ा गया, वो चिल्ला रहा है। इसका मतलब ये जो चोर पकड़े जा रहे हैं इसमें जिसकी भागीदारी होगी वो चिल्लाएगा। मुझे थोड़े से अलग मुद्दे पर आते हैं। कश्मीर में हम इस बार देख रहे हैं रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है। ऐसे ऐसे इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो रही है जहाँ पर ऐसा सोचा नहीं जा सकता था। इस पर आपका क्या आंकलन है, आप कैसे देखते हैं? पहले तो मैं चाहूँगा कि कश्मीर की जो स्थिति बदली है उसके संदर्भ में सबसे तो पहले मैं मेरे देश के न्याय तंत्र को प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर सरकार किसी काम को करने के लिए उसका एक डिजाइन होती है, उसकी एक स्ट्रेटेजी होती है, ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए उस स्ट्रेटेजी के तहत काम करना होता था। अब उसके लिए कभी मुझे इंटरनेट बंद करना पड़ा, कोई एनजीओ कोर्ट चला गया और वो बड़ा कोर्ट के अंदर बड़ा इशू बन गया। आज समझिए कि भले मैंने कुछ समय के लिए इंटरनेट बंद किया था, लेकिन आज बड़े गर्व के साथ वहाँ के बच्चे कहते हैं कि 5 साल से इंटरनेट बंद नहीं हुआ है, 5 साल से हमें सब सुविधाएं मिल रही है। कुछ दिन तकलीफ हुई लेकिन अच्छे काम के लिए हुई थी। अब वो अदालत के अंदर जब विवादों में चढ़ जाता है तब चीज़ें गड़बड़ा जाती है। तो ऐसे जो एनजीओ हैं जिन्होंने अदालतों के भरोसे लड़ाई लड़ना शुरू किया है, एक तो देश को उनसे बचाना बहुत ज़रूरी है, दूसरा वहाँ का सामान्य मानवी जब मतदान करता है ना तब वो सिर्फ किसी को जिताता ऐसा नहीं है जी, मतदान करता है मतलब भारत के संविधान को गले लगाता है, मतदान करता है तब भारत की सरकार बनाने में वो गर्व के साथ भागीदारी करता है, मतदान करता है मतलब कि भारत के सार्वभौमत्व के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करता है। दूसरा, उनको विश्वास हुआ कि ये सरकार ऐसी है कि जहाँ फेयरनेस है हम भरोसा कर सकते हैं कि ये सही होगा। और जब उसको ये विश्वास हो जाता है कि ये कोई हेरा फेरी नहीं हो रही है तो वो पक्का वोट करने के लिए उत्साह से आता है। और उसका परिणाम है कि आज मतदान यानी 40-40 साल के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। मेरे लिए बहुत सबसे बड़े संतोष की बात है कि मेरे कश्मीर के मेरे भाई बहन मेरे परिवारजन उमंग और उत्साह के साथ मतदान के लिए आगे आए, उन्होंने मतदान करके दुनिया को एक मैसेज दे दिया है, जो लोग आशंकाएं करते थे उनको एक मैसेज दे दिया है। सर ये क्या विंडिकेशन है 370 को जो आपने हटाया, इससे क्या लगता है कि आपका ये विंडिकेशन है कि जिस तरह से अब 370 ये सिर्फ एक 5-4 परिवारों का ही एजेंडा था जी, ये न कश्मीर की जनता का एजेंडा था न देश के लोगों का एजेंडा था। ये अपने फायदे के लिए ये 370 की ऐसी एक दीवार बना के बैठे थे ताकि कोई झोंक न पाए, और कहते थे 370 हटेगी तो आग लग जाएगी, वो कहते थे 370 हटेगी तो कश्मीर चला जाएगा। आज ये सत्य हो गया कि 370 हटने के बाद ज़्यादा एकता की अनुभूति हो रही है, कश्मीर के लोगों का अपनापन ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसलिए इसका सीधा परिणाम चुनावों में भी दिखाई देता है, टूरिज्म में दिखाई दे रहा है। G20 समिट वहाँ होती है, बड़े शान से कश्मीर ने उनका स्वागत किया रहा पूरी दुनिया का। और इसलिए ये कैसे झूठी दीवारें खड़ी कर करके देश को टुकड़ों में देखा गया इसका ये उदाहरण है, और उसको मैंने ध्वस्त किया है। सर वेल्थ क्रिएटर्स को लेके भी बातचीत एक नैरेटिव आता है कि कभी राहुल गांधी जी बोलते हैं कि आप कुछ परिवार को आप बढ़ा रहे हैं, अभी आपने हाल में उनको बोला, तो क्या लगता है कि देश में जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं उनको ही उन पर राजनीति होनी चाहिए? मैं फिर कहता हूँ जो लोग ये कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं उनको पूछो ये तुम कहाँ से लाए हो, उनसे बात करो भाई, आप उनसे तो कुछ पूछते नहीं हो। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये चर्चाएं उनके साथ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सर उड़ीसा में अभी चुनाव होने हैं अभी हाल में, उधर आपकी देखा जाए तो काफ़ी अच्छे संबंध थे नवीन पटनायक जी के साथ, उन्होंने कई मुद्दों पर आपको सपोर्ट किया,
अब आप लोगों का अलायंस नहीं है और आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं? हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ हमारे संबंध अच्छे ही हैं और लोकतंत्र में हमारी दुश्मनी नहीं होती है, संबंध अच्छे होने ही चाहिए। अब सवाल ये है कि मैं मेरे संबंधों को संभालूं कि उड़ीसा के भाग्य की चिंता करूं। तब मैंने रास्ता चुना कि मैं उड़ीसा के उज्जवल भविष्य के लिए अपने आप को खपा दूंगा। उसके लिए मेरे संबंधों को मुझे अगर बलि चढ़ाना पड़ेगा तो मैं उड़ीसा की भलाई के लिए बलि चढ़ाऊंगा और चुनाव के बाद मैं कन्विंस करूंगा हर एक को कि भाई मुझे किसी की दुश्मनी नहीं है। लेकिन 25 साल से उड़ीसा में प्रगति नहीं हो, और सबसे बड़ी चिंता ऐसी है कि कुछ एक ऐसी टोली है जिसने पूरे उड़ीसा की व्यवस्था को कब्जा कर लिया है। ऐसा लगता है पूरी व्यवस्था को बंधक बना दिया है, और जब इतना बंधक बना दिया है तो बहुत स्वाभाविक है कि उड़ीसा अगर उस बंधनों से बाहर आएगा तो उड़ीसा खिलेगा। उड़ीसा की अस्मिता का सवाल है। इतने प्राकृतिक संसाधन है उड़ीसा के पास, एक समृद्ध राज्य के गरीब लोग देख करके दुख होता है। हिंदुस्तान के समृद्ध राज्यों में उड़ीसा है, इतनी प्राकृतिक संपदा है, और हिंदुस्तान के गरीब लोगों के राज्य में भी उड़ीसा है। तो इसके लिए सरकार जिम्मेवार है, और इसलिए उड़ीसा के लोगों का उनका हक मिलना चाहिए, उड़ीसा को उसकी अस्मिता मिलनी चाहिए। उड़ीसा का भाग्य बदलने वाला है, सरकार बदल रही है। मैंने कहा है कि उड़ीसा की वर्तमान सरकार की एक्सपायरी डेट 4 जून है, और 10 जून को बीजेपी का मुख्यमंत्री उड़ीसा में शपथ लेगा। मोदी जी, बंगाल में भी ताबड़तोड़ एक टक्कर की लड़ाई चल रही है, आपके भी बहुत कैंपेनिंग वहाँ पे आपने की है, और अभी आप शायद फिर जाने वाले हैं बंगाल। क्या लगता है आपके प्रोस्पेक्ट कैसे रहेंगे बंगाल में? एक तो मुझे लगता है कि एनआई के जो फुट सोल्जर्स हैं, एक बार उनको वेरीफाई करना देना चाहिए कि वो कहाँ से रिपोर्टिंग आपको भेजते हैं। बंगाल के चुनाव में टीएमसी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा होगा पिछले असेंबली के चुनाव में हम 3 थे, 3 में से बंगाल की जनता ने हमें 80 पर पहुंचा दिया। हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है, और पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफा है, जनता जनार्दन उसको लीड कर रही है, और उसके कारण सरकार में बैठे हुए लोग, टीएमसी के लोग बौखलाए हुए हैं। लगातार हत्याएं हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के पहले जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। ये सारे जुल्मों के बावजूद भी मतदान भी जनता ज़्यादा कर रही है और वोट भी ज़्यादा हो रहा है। मोदी जी, आपके हिसाब से तो लगभग अब आपका तय है आना, और सबको लगता है ऐसा, ज़्यादातर लोग आपको प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आप वापस आ रहे हैं, तो मोदी 3.0 में ये देश क्या उम्मीदें रखे आपसे, क्या आपकी प्रायोरिटीज होंगी? विकसित भारत, 1 पॉइंट एजेंडा, विकसित भारत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, नमस्कार।